आइए, आप वाटिका में हैं। वाटिका नर्सरी में आपका स्वागत है। आप भी इन गुलाबों की तरह मुस्कुराइए, रात रानी मोगरा की तरह महकिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज कांग्रेस ने कराया भारत बंद, बैलगाड़ी पर किया गुना में विरोध प्रदर्शन और दिया प्रशासन को ज्ञापन। कांग्रेसियों ने बंद कराने के लिए जगह जगह दुकानदारों से किया दुकानें बंद करने का अनुरोध। सीपीआई और ऑटो चालक यूनियन संघ सहित विभिन्न अन्य संगठनों ने भी बंद का किया समर्थन। आरोन में भी कांग्रेसियों ने भारत बंद का किया समर्थन और रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसा जमकर। कांग्रेस के बंद अभियान के दौरान पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का फोटो ना होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारा और भाजपा पर लगाया आरोप। शुक्रवार की रात भारी बारिश के दौरान कोल्हूपुरा नानाखेड़ी पर पुलिया में बहे व्यक्ति की लाश बरामद कर शव की पुलिस ने आज की शिनाख्त। मृतक प्रमोद नामदेव रात घर जाते समय तेज पानी में नाले में गिर गए थे। जयसन चौराहे स्थित एक हलवाई की दुकान में गैस सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर। गैस एजेंसी ने बताया घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे दुकानदार। साइकिल रैली के साथ आरंभ हुआ जेसी सप्ताह। कलेक्टर वी दत्ता ने साइकिल चालकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 12 साल बाद भी गिरफ्तारी से दूर है शहीद टीआई वीएस सप्रे की हत्या के आरोपी। शहीद की पत्नी द्वारा विगत वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार लौटाने की घोषणा के बाद हरकत में आया था पुलिस प्रशासन, परंतु अब तक भी 9 आरोपी बरी हो चुके हैं और हत्या के 69 आरोपी हैं फरार। बासुपुर जिनाले में आज पंच बालियती तीर्थंकरों की पालकी यात्रा के साथ 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हुआ भव्य समापन। गुना के पीजी कॉलेज में आज से शुरू हुआ महाविद्यालयीन स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम। छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की जा रही है 2 दिवसीय कई प्रतियोगिताएं। कोकाटे कॉलोनी में डेंगू की शिकायत मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची मौके पर। कई घरों से मिले डेंगू के एडीस मच्छर के लार्वा, रेस्क्यू टीम ने दवाई डालकर लार्वा को किया नष्ट। जेसी सप्ताह के अंतर्गत आज जेसी महिला विंग ने महिला दिवस मनाते हुए कई प्रतियोगिताएं महिलाओं के लिए की आयोजित। बमोरी क्षेत्र के देहरा पंचायत के हिनोतिया ग्राम के ग्रामवासी तरस रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। नहीं है ग्रामवासियों के लिए एक अदद सुविधाजनक सड़क या कोई एक अन्य साधन। 64वीं राज्य स्तरीय शालेय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में गुना के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने दिखाया अपना शानदार दम, जीते कई पुरस्कार। दिगम मजन महिला सेवा संघ द्वारा रावगढ़ में आयोजित किया गया पौधरोपण का कार्यक्रम। सामाजिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। निशुल्क कोचिंग और नारी सशक्तिकरण आदि विषयों को लेकर किया गया विचार विमर्श। गुना पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय अपराधी घासी पारदी को किया गिरफ्तार। फतेहगढ़ पुलिस पर फायरिंग के सिलसिले में थी आरोपी की तलाश। SC/ST एक्ट को लेकर सरकार के कथित अन्याय के खिलाफ आज सर्व समाज के युवा प्रतिनिधि ने दिया SDM महोदय को ज्ञापन। कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे शुरू।